नमस्कार, न्यूज 111 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार तनाव बढ़ने की कोशिश की जा रही है। सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच लंबी टेलीफोन पर बात हुई। सूत्रों की माने तो बातचीत में द्विपक्षीय कारोबार, अफगानिस्तान और अन्य द्विपक्षीय संबंधों जैसे तमाम मसलों पर बातें हुई, लेकिन जम्मू और कश्मीर का मुद्दा भी दोनों नेताओं के बीच काफी गंभीरता से उठा। पीएम मोदी की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की तरफ से बेवजह भड़काऊ बयानबाजी की जा रही है, जो क्षेत्रीय शांति के लिए सही नहीं है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने सीमा पर आतंक को खत्म करने को सबसे अहम मुद्दा बताते हुए हिंसा और आतंक को खत्म करने की जरूरत बताई। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी सूचना के मुताबिक आधे घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बेहद सौहार्दपूर्ण माहौल में बात हुई। जून 2019 के अंत में ओसाका में हुई बातचीत के संदर्भ में पीएम ने यह इच्छा जताई कि भारतीय वाणिज्य मंत्री शीघ्र ही अमेरिका के अपने समक्ष व्यापारिक प्रतिनिधि से मुलाकात करेंगे, ताकि द्विपक्षीय कारोबार से जुड़े मुद्दों पर सहमति बन सके। इसके बाद क्षेत्रीय हालत पर बात हुई। पीएम ने जोर देकर बताया कि दक्षिण एशिया में सीमा पर आतंक को समाप्त करने, हिंसा और आतंक मुक्त माहौल बनाना कितना जरूरी है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि उक्त रास्ता पर जो भी चलेगा उसके साथ भारत सहयोग करने को तैयार है और गरीबी, अशिक्षा और महामारी के खिलाफ रोकथाम में साथ देगा। बता दें कि पिछले हफ्ते शुक्रवार को राष्ट्रपति ट्रंप की पाक पीएम इमरान खान के साथ भी टेलीफोन पर बातें हुई थी। उसमें ट्रंप ने उन्हें स्पष्ट तौर पर सलाह दी थी कि भारत के साथ तनाव खत्म करने के लिए बातचीत का रास्ता अख्तियार किया जाए। यह भी साफ किया गया था कि कश्मीर के मुद्दे पर दोनों देशों को मिलकर समाधान निकालना होगा। मोदी और ट्रंप के बीच अफगानिस्तान पर भी बात हुई। अफगानिस्तान अपनी आजादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा है। मोदी ने भारत की मंशा साफ कर दी कि वह हमेशा एक संयुक्त, सुरक्षित, लोकतांत्रिक और स्वतंत्र अफगानिस्तान का पक्षधार है। गौरतलब है कि अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए अमेरिका और तालिबान के बीच बातचीत अंतिम चरण में है। अफगानिस्तान की स्थिति भारत की राजनीति के लिहाजे से बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए वह हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। वहीं आपको बता दें कि पिछले दिनों राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान के पीएम को ये कहा था कि अब उनसे पीओके के मुद्दे पर ही बात होगी। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो पीएम को हर जगह से मुंह की खानी पड़ रही है, लेकिन वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। फिलहाल इतना ही। तमाम ऐसे खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार। न्यूज 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।